नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। में आपके साथ शिवानी पांडे। पाकिस्तान एक बार फिर बौखलाया हुआ है। इससे पहले धारा 370 को लेकर और अब नागरिकता कानून को लेकर पाकिस्तान की चिंता बढ़ती हुई दिख रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जिनेवा में ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम से एक बार फिर से परमाणु युद्ध की धमकी दे डाली है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भारत के नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कहा कि इससे दक्षिण एशिया में न केवल शरणार्थियों की समस्या पैदा हो जाएगी, बल्कि ये परमाणु संपन्न शक्ति देशों के बीच संघर्ष को भी जन्म दे सकता है। इमरान खान ने कहा, हमें पाकिस्तान में बस यही चिंता हो रही है कि भारत के कदम से शरणार्थियों की समस्या पैदा हो जाएगी और इसकी परिणति दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच संघर्ष के रूप में हो सकती है। इमरान खान ने आरोप लगाया कि भारत कश्मीर की मुस्लिम बहुल जनसंख्या को बदलने की कोशिश करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह भी कहा कि कश्मीर में कर्फ्यू और नए नागरिकता कानून की वजह से लाखों मुस्लिम भारत से भाग सकते हैं, जिससे रिफ्यूजी संकट पैदा हो सकता है। इस शरणार्थी संकट के सामने बाकी समस्याएं बौनी हो जाएंगी। जिनेवा में ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि उनका देश और शरणार्थियों का बोझ वहन नहीं कर सकता। इमरान खान ने दुनिया से जल्द इसमें हस्तक्षेप करने की भी अपील की है। तो पहले धारा 370 और अब नागरिकता कानून को लेकर पाकिस्तान की चिंता बढ़ती हुई दिख रही है। इसी के साथ आप देख रहे हैं आज की खबर। नमस्कार।